नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं भारत के अंदर कोविड और मंकी पॉक्स के बाद सबसे खतरनाक बीमारी लंपी स्किन डिजीज सामने आई है, जो कि स्पेशली मवेशियों में देखने को मिल रही है। आज की इस वीडियो को हम 5 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। व्हाट इज लंपी स्किन डिजीज, वेयर इट्स ओरिजिन, हाउ दिस डिजीज अफेक्ट एनिमल, व्हाट इट्स ट्रीटमेंट, सम मिथ अबाउट लंपी स्किन डिजीज। लंपी स्किन डिजीज, जिसे हम गांठदार त्वचा रोग भी कह सकते हैं, ये मवेशियों में होने वाला एक संक्रामक रोग है जो पॉक्सीवेरेट परिवार के एक वायरस के कारण होता है, जिसे निथिलिंग वायरस भी कहा जाता है। इस रोग में मवेशियों की त्वचा पर मोटी मोटी गांठें पड़ जाती हैं। 1929 में ये बीमारी सबसे पहले साउथ अफ्रीका के घाना इलाके में पाई गई थी और अब ये भारत के अंदर भी एक खतरनाक बीमारी के रूप में सामने आ चुकी है। भारत में लंपी स्किन डिजीज का सबसे पहला केस हिमाचल प्रदेश में शिमला के चेली गांव में पाया गया था। यहाँ पर एक गाय पंजाब से लाई गई थी जो कि इसी वायरस से इन्फेक्टेड थी और उसी इन्फेक्टेड गाय से बीमारी बाकी सारी गायों में फैल गई। भारत के अंदर काफ़ी राज्यों में ये बीमारी फैल चुकी है और इनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य गुजरात व राजस्थान है। गुजरात में 33 में से 20 जिलों में ये बीमारी फैल चुकी है और आंकड़ों के अनुसार 1500 के करीब गौवंश की डेथ भी हो गई है। इस बीमारी के चलते गुजरात के सबसे प्रभावित जिले कच्छ, जामनगर, राजकोट, पोरबंदर, भावनगर और ऐसे कई जिले हैं जिनमें ये बीमारी एक प्रकोप के रूप में सामने आई है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में इस वायरस से करीब 2 लाख गाय इन्फेक्टेड हो गई हैं और लगभग 4300 के करीब गायों की डेथ भी हो गई है। राजस्थान के 4 जिलों में बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, सिरोही ज़्यादा संक्रमित होने के कारण यहाँ पर क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है। गुजरात और राजस्थान के अलावा ये बीमारी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, असम जैसे राज्यों में भी काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी है। जैसे ही गाय और भैंस इस बीमारी की चपेट में आते हैं तो उनके अंदर बहुत से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिनमें तेज बुखार का आना प्रमुख है। इसके बाद आँख और नाक से पानी आना, भूख ना लगना, दूध ना देना भी प्रमुख है। शरीर में मोटी मोटी गांठें पड़ जाती हैं जिनमें मवाद और पानी भर जाता है व छाले भी पड़ जाते हैं। मादा गाय में बांझपन, लंगड़ापन, निमोनिया और गर्भपात जैसे लक्षण भी देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं कि इस बीमारी का उपचार कैसे करें। जैसे ही कोई गाय इस वायरस से इन्फेक्टेड पाई जाती है तो उसको क्वारंटीन कर उसका इलाज शुरू कर दें। साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें क्योंकि इस बीमारी में मच्छर व मक्खियां एक पशु से दूसरे पशु में इस रोग का वाहक बनते हैं। मच्छर व मक्खियाँ ना पनपें इसके लिए उचित कीटनाशकों का यूज़ करें। गायों के इन्फेक्टेड होते ही जल्दी से जल्दी डॉक्टर से संपर्क करें। गायों के इलाज के लिए गोट पॉक्स वैक्सीन का भी यूज़ किया जा रहा है। इस बीमारी में हमें ये ध्यान रखना है कि पशु को ज़्यादा तेज बुखार ना आए और रहने की जगह एकदम साफ हो। अब हम लंपी स्किन डिजीज के बारे में सुनने वाले कुछ अफवाहों पर भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या ये डिजीज एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो सकता है? तो नहीं, अभी तक कोई भी ऐसा केस सामने नहीं आया है जिसमें कोई भी ह्यूमन इस डिजीज से इन्फेक्टेड हुआ हो। क्या इन्फेक्टेड गाय का दूध उपयोग में लेना सुरक्षित है? तो बिल्कुल हाँ। हम इन्फेक्टेड गाय का दूध 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह गर्म करके उपयोग में ले सकते हैं। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।